हेलो वीडियो देखने वालों, जी हाँ, हम हैं इस वक्त दिल्ली की जन्नत, जी हाँ, नॉन वेजिटेरियंस की जन्नत, पुरानी दिल्ली, बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने बहुत सारे आइकॉनिक रेस्टोरेंट हैं। और आज हमारा हाइप वर्सेस ओवर हाइप का तीसरा एपिसोड है। जी हाँ, यस, गली ही इतनी फेमस है, यहाँ पर हर कदम पर आइकॉनिक रेस्टोरेंट है। इसी में से एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट हमने आज सिलेक्ट किया है, कौन सा, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो मैं आया हूँ, अकेला नहीं आया, सारे साथ लेके आया हूँ। कहाँ आया हूँ? The iconic असलम चिकन पे। जी हाँ, यहाँ का बटर चिकन, इतना बटर डाला जाता है, अगर आप उसको वीडियो में देखेंगे या फोटो देखेंगे, आपको लगेगा कि भाई ये कोई खा ही नहीं सकता, लेकिन आपको पता नहीं है कितनी दीवानगी है इस जगह की। ये मेरे पीछे देखिए, ये एंट्रेंस है असलम चिकन के नए रेस्टोरेंट की। और आप ये देखिए, ये जितने लोग खड़े हैं, ये लाइन में खड़े हैं कि ये जो तीन फ्लोर है, मेरे ख्याल से जो दो तीन फ्लोर तो मैं देख चुका हूँ, हो सकता है शायद ज़्यादा भी हो, ये इस वक्त फुल हैं। और वहाँ पर जगह खाली होती जाएगी तो ये अंदर जा पाएंगे। देखिए कितनी दीवानगी है। और आज हम आपको बताएंगे, आप जैसे जो कैमरे के पीछे वाले हमारे व्यूअर्स हैं, वो आज हमारे साथ आए हैं, वो बताएंगे ये जगह वर्थ है या नहीं। पंगा खा लो, भाई असलम चिकन से असलम के बड़े भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या प्यार बांट रहे हो, इतना दुनिया दीवानी है, क्या है, मतलब इतना क्या खा रहे हो? मसाले असलम भाई ने बहुत दिल से बनाए है। हाँ। और बहुत बढ़िया बनाए, ये समझ लो शाहरुख खान की डुप्लीकेट मिल सकती है, असलम की डुप्लीकेट नहीं मिल सकती। अरे वाह। हाँ, ये माल थोड़ा सा तो हमें हल्का सा सारा ना बताओ, लेकिन कुछ तो बताओ कि क्या खासियत कर रहे हो, क्या मतलब क्या फ्लेवर बना रहे हो इसके अंदर? जो है ना, मसाले डाल रखे हैं हमने 12-15 मसाले डले में। अच्छा। और इसके अंदर क्रीम डलती है, मक्खन डलता है, तो उसका जायका अलग ही होता है। अच्छा, और ये कितनी देर मैरिनेट करके रखते हो? ये हम रखते हैं कम से कम ये सुबह 12 बजे लगाते हैं। अच्छा, मसाले। अच्छा। और ये शाम को जो चालू रहता है 6 बजे यहाँ पे। अच्छा, मतलब 6-7 घंटे आपका मैरिनेट हो गया? 6-7 घंटे रखते हैं इसे। अच्छा, एक सवाल बड़ा मुश्किल पूछता हूँ, कितनी प्लेटें रोज की बेच लेते हो? अब ये तो नहीं बता सकते, छापा पड़ जाता है। मैंने तभी कहा एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ। ये 300-400 मुर्गा बिक जाता है यार। अच्छा, 300-400 मुर्गा रोज का बिक जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के। असलम साहब के बेटे हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो आपने दुबई बना दिया। ये अभी न्यू बनाया हमने, कुछ महीने हुए इसको खोले हुए, तो पूरी अच्छा। ऐसी लुक आ रही है जैसे आपने दुबई बना दिया। बिल्कुल अलग ही हटके हमने बनाया, थोड़ा बड़ा दिल से बनाया हमने। दिल से बनाया है। और मैं कितने फ्लोर हैं इसमें? इसमें फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा। काफ़ी स्पेस है। ठीक है। और आउटलेट के टाइमिंग्स पूछूंगा मैं। सुबह हम 12 बजे चालू कर देते हैं और रात को 11 बजे तक, 11:30 और कोई छुट्टी वगैरह तो कोई नहीं? कोई छुट्टी नहीं, बाकी ईद पे होती है। हाँ। और हमारी बकरे ईद पे छुट्टी होती है, बस और कोई छुट्टी नहीं। और अगर किसी ने डिलीवरी वगैरह मंगानी हो, डिलीवरी का भी है या सिर्फ यहीं पे आके खाने का है? डिलीवरी भी है, अपनी पर्सनल है हमारी। अच्छा, आपकी अपनी? अपनी पर्सनल है। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई स्विगी जीनी पे करता है तो वो भी ठीक है, दे देते हैं उसको भी। ठीक है, कोई नहीं। कितने अपनी आपकी कितने किलोमीटर तक है NCR में? पूरे NCR में। अरे वाह, ये तो किसी को हमारे को पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। तो लीजिए, हम इनके अपस्टेयर्स में आ गए हैं। देखिए एकदम चकाचक भरा हुआ, और जहाँ जहाँ हमारी नज़र जा रही है एक भी टेबल खाली नहीं दिख रहा, और सब पे वेटिंग भी है यहाँ पे काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं यहाँ पे पंजाबी में बात करूँगा, क्योंकि ये जो फैमिली है ये जम्मू से आई है। पंजाबी जम्मू आए हो? हाँ जी भाजी, कितने जा रहे हो? आप जान लिया मक्का शरीफ। अच्छा, हज वास्ते। अच्छा, तो ऐसे में देखा बहुत ही ज़्यादा रश, मैं अभी भी टेस्ट देख लीजिए। अच्छा, कितनी मंगवाया तुम? अभी कोरमा मंगाया। चिकन कोरमा। किमें लगा? बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे इनका बटर चिकन जो होता है रोस्टेड वाला, वो तो बढ़िया है ही है। यहाँ से फीडबैक आया है कि इनका कोरमा भी स्वाद है, बहुत स्वाद है। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने। खाने की बात तो बाद में करेंगे, जो टेबल पे आएगा। रेस्टोरेंट देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार लग रहा है। मैं पिछली बारी
लास्ट टाइम दूसरे वाले पे आया था, ये नया बना है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत सुंदर है, वो पिछले वाला थोड़ा ढाबा स्टाइल है, थोड़ा कंजेस्टेड था। यहाँ पे सारे खुले खुले बैठे हैं, सब बढ़िया लग रहा है। बढ़िया मतलब फैमिली के लिए ये बढ़िया जगह है। आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं आप? आए मैं पहली बार आया हूँ। मैम आप पहली बार आए हो? हाँ जी, फर्स्ट विजिट। अच्छा, अभी खाना तो आया नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट कैसा लगा? रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, एम्बियंस अच्छी है, और फैमिली डाइनिंग के लिए इट्स गुड। काफ़ी रॉयल लुक है, अच्छा है, लाइटनिंग बड़ी अच्छी है, एम्बियंस अच्छी है, फैमिली के लिए अच्छा है। भाई पहली बार आए हो या आए हो? भाजी पहले आया, दूसरा लाउटर से आया सी, ऐसे था कि मैंने एवं लग रहा है दुबई से आ गया। बिल्कुल सही में, बिल्कुल ऐसी लुक आती है दुबई हो, या वो जो एक लेविश सी शादी का पंडाल वाली होती है ना, वो वाली फीलिंग है पूरे। मतलब ये बिल्कुल सही कहा है कि दुबई जैसा लग रहा है कि दुबई आ गए हो आप, फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। और कभी यहाँ का नाम सुना है? बहुत कम सुना है। अच्छा चलो, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नाम नहीं सुना। भाई आपने नाम सुना है यहाँ का? भाई सुने हैं, बहुत सुना है। तो लीजिए ये प्लेट तैयार होती हुई, ये गया जी, ये चिकन बारबेक्यू होता है मसाला क्या, और ये जो ये जा रही है क्रीम, ये किस चीज़ की रहती है, क्या क्या रहता है इसमें? इसमें दही रहता है, क्रीम रहता है, और भी कई सारे चीज़ें हैं। अच्छा, तो वो सीक्रेट है, वो बता नहीं सकते हम। वो बढ़िया बात है, वो बतानी भी नहीं चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट दूध, मतलब आपका हो गया मलाई है, और ये मसाले गए, और ये क्या है, ये अरे बटर, ये देखिए बिल्कुल ये क्या। अच्छा ये कितना डल जाता है एक प्लेट में बटर? एक प्लेट में कम से कम 100 ग्राम डालते हैं। 100 ग्राम डालते हैं, वाह जी वाह। प्लेट है देखिए, ये हाफ प्लेट है। तो लीजिए मुर्गा टेबल पे सर्व हो चुका है, और सबको हमने अटैक करने के लिए बोल दिया। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इनको खाते हुए, आइए। और ये हमारे भाइयों की फर्स्ट बाइट जाती हुई। पहले अच्छा, रूप रंग देख के आपको कैसा लगा? ये इतना सारा बटर चिकन में, मतलब चिकन को डुबोया हुआ है स्विमिंग पूल में, कैसा लगा? देखने में मजेदार लग रहा है, देखने में मजेदार लग रहा है। आपका भाई रुका नहीं जा रहा है, रुका नहीं जा रहा। चलो फिर अटैक करो। अब देखिए ये गए मास्टर शेफ के शेफ, ये देखिए उन्होंने बटर के अंदर रुमाली भिगो दी है, और ये आंखें बंद करके कैसा लगा इशारे में? बढ़िया वंश, सबसे पहला मतलब देखने के पलक, ये देखो इतना सारा बटर, इतना माउथ वाटरिंग लग रहा है एकदम। मैं से रुका नहीं गया, मैंने तो 2-3 बाइट खा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। वंश को पसंद आ गया है। वंश की मॉम के लिए हमने पनीर वाला मंगवाया, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। यहाँ पे एक दो और हैं जो वेजिटेरियन हैं। 5:30 जी ने एकदम स्पीड खींची हुई है। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। खा के मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम खाया ना तुसी? नहीं सेकंड टाइम खाया, पर स्वाद अच्छा है, पहला मतलब बेटर कितना इन्होंने। वाह जी वाह। लो भाजी आपके लिए लेग पीस मक्खन मार के, ये देखिए अब ट्राई करो। देखो मुर्गा खाओ और लेग पीस ना खाओ, अरे वाह, ओह वाह, फिनिश एक ही बाइट में पूरी लेग पीस फिनिश। भाई मज़ा आया या नहीं आया? आ गया भाई मज़ा, मज़ा आ गया। रुमाली हो रहा है, मास्टर शेफ। रुमाली 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 लो जी रुमाली। सबसे पहली चीज़ जैसे इतना सारा बटर लगा हुआ है पीस में, मसाले भी हैं, कहीं से कोई हैवीनेस फील हो रही है? नहीं, बहुत अच्छा है, लाइट है, खाया जा सकता है, मतलब बार बार आ सकते हो खाने के लिए। मतलब जो इतना सारा बटर देख के डर लगता था, वो डरने वाली चीज़ नहीं, डरने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, एकदम गला हुआ है, और एकदम मतलब सॉफ्ट है, बिल्कुल है, और हैवीनेस नहीं है जो इतना बटर और रोल। ये जो सारा रश है ये वर्थ इट है, मतलब समझ आ रहा है कि क्यों है ये रश। तो लीजिए अभी हमने आपको चिकन दिखाया बटर वाला, ये देखिए यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए पनीर का भी ऑप्शन है, ये देखिए बड़े बड़े पनीर के पीस ये मक्खन मलाई में नहाए हुए। चलिए ये टेस्ट करवाते हैं, उन लोगों से पूछते हैं भाई कैसा लगा उनको। तो हमारे वेजिटेरियन गेस्ट पनीर वाला खाते हुए, इट्स गुड। गुड, हाँ जी, मतलब ये दोबारा आने लायक है? नहीं, बट दिस इज गुड। अगर सारे टेबल पे चिकन खा रहे तो अभी ऑर्डर कर सकते हो।
आज मैं रिव्यू नहीं दूंगा, रिव्यू देंगे आपके जैसे व्यूवर जो मेरे पीछे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चीयर्स। मैम, वेजिटेरियन और पनीर दोनों का बहुत प्यारा संगम है, क्या ये जो बटर वाला है ये संगम सही है या कैसा है? बहुत अच्छा है, फ्लेवरफुल है और सॉफ्टनेस भी है पनीर में। अच्छा, मैंने खा के देखा तो अंदर भी फ्लेवर आ रहा था, अंदर कुछ मसाले बिल्कुल मसाले लगे हुए हैं जो कि इसको और ऑसम बना रहे हैं। अच्छा, अब जैसे बटर वगैरह है, ठीक है, तो बटर के लिए आपका क्या कहना रहेगा कि इतना सारा बटर है तभी टेस्ट है, बटर है तो टेस्ट है। वर्थ द कैलोरीज है दोनों डिशेस। तो चलिए सबसे रिएक्शन लेते हैं, पास या फेल? पास या फेल? पास। पास या फेल? पास। 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 डेफिनेटली पास। पास। डेफिनेटली पास। ये सबका ही पास। 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 जी हाँ, तो ये जगह इतने सारे लोगों ने यहाँ पे रिव्यू किया, हमने वेज में पनीर ट्राई किया और नॉन वेज में देखो मुर्गा तो यहाँ का फेमस है ही है, तो सब ने इसको थम्स अप कर दिया है। आप भी आइए, अगर यहाँ नहीं आए खाइए, वापस आके कमेंट में ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप आना चाहते हैं मेरे साथ फूड इंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।